प्यारे दोस्तों नमस्कार। सीटेट 2000 जुलाई 2023 का एंट्रेंस फॉर्म आ चुका है। जिन भी विद्यार्थियों को सीटेट जुलाई 2023 के लिए आवेदन करना है तो वो अब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और कैसे फॉर्म को कैसे भरना है हम इस वीडियो में पूरी विस्तार से बताएंगे, एक एक स्टेप को बारीकी से क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सीटेट की फॉर्म भरने के लिए आप सीटेट की वेबसाइट, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप इसे ओपन कर सकते हैं या सरकारी जगह जा करके आप सीटेट और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां से अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो आपको ये इसी होम पेज पे लाएगा और यहां से आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर सीटेट और इसके बाद आपको करना होगा ओके। अब यहाँ पर हमारा फॉर्म भरने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद आपको साइन इन करना होगा। अगर आप नए यूजर हैं तो आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा और सारा एक बार नोटिफिकेशन आप फॉर्म भरने के पहले पढ़ लीजिएगा कि इसमें फ़ोटो कैसा लगाना है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा, फ़ोटो की साइज़ क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है चेक और क्लिक हियर टू प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। फॉर्म आ गया, यहाँ पे नाम, यहाँ पिता का नाम, यहाँ माता का नाम, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे अपना आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पे अपना आइडेंटिटी कार्ड, DL हो DL, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य अदर आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप अपने आधार अपना डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद अपना पिन कोड, ईमेल आईडी और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी कंफर्म कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर से मोबाइल नंबर को आपको दो बार डालना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कंटेक्ट डिटेल सेम है तो आपको यहाँ पे सेम पे क्लिक करना है। ये वाला एड्रेस आपको इसमें फिल हो जाएगा। अगर आपका दोनों अलग अलग है तो आपको अलग अलग भरना होगा। इसके बाद यहाँ पे अपना एक पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए ये आप अल्फा, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और इसके बाद एक आप नंबर में बना लीजिएगा। यानी पासवर्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है किसमें आप एक स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज करना होगा, एक अपर के, एक स्मॉल लेटर, एक अपर लेटर आपको यूज करना होगा, इसके बाद नंबर भी आपको यूज करना होगा। इसके बाद पासवर्ड को रिपीट कर लीजिएगा, सिक्योरिटी कोड में जो भी आपको देना है। देने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म पे आपको क्लिक करना हो। जैसे आप फॉर्म भरने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पेज आ जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको कैप्चा डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक बार अपने फॉर्म को मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद अगर सब कुछ ओके है तो यहाँ पे आपको इस पे इस चेक बॉक्स को आपको चेक करना है, अपने फॉर्म को एक बार अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पर चेक करना है और सबमिट टू सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट टू सेंड पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल जो नंबर आपने दिया है उस पर एक OTP जाएगा। तो अब यहाँ पे वो OTP आपको डालना होगा। तो OTP जो नंबर पर गया है उसे डालने के बाद आपको सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और ये आपका पहला जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए आपको कंप्लीट एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपके मोबाइल या ईमेल पर अगर एप्लीकेशन नंबर अगर आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर इसे कॉपी करके या इसे नोट कर लें क्योंकि इसकी फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉर्म को रजिस्ट्रेशन के बाद पहला पार्ट होने के बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और यहाँ पे पर्सनल डिटेल, यहाँ पे फॉर्म हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 सात स्टेप में है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे क्लिक करें और यहाँ पे हम अपना डिटेल को पूरा करेंगे। नेशनलिटी हम अपना भरेंगे, कंट्री अपना भर देंगे, कैटेगरी भर देंगे। यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है जनरल OBC ST ST उसको फिल करेंगे। यहाँ पे अगर आप डिसबिलिटी हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। एम्प्लॉय स्टेटस अगर आप हैं कोई, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं तो यहाँ पर आपको भरना है, नहीं तो आप नॉट एम्प्लॉय करें और यहाँ पर आप कैप्चा डाल के आगे फिल कर दें, सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें और यहाँ पे अप्लाई फॉर किस पेपर के लिए अप्लाई करना है, पहला या दूसरा, तो यहाँ पे बोथ पेपर पर क्लिक करें।
अगर आपको सिंगल पेपर देना है, प्राइमरी पे का पेपर देना है तो पेपर वन, और जूनियर का पेपर देना है तो पेपर टू, और अगर आपको दोनों देना है प्राइमरी और जूनियर तो बोथ पेपर को चुनें। लैंग्वेज अपना हिंदी इंग्लिश जो भी चुनना हो, सेकेंड लैंग्वेज में अपना इंग्लिश संस्कृत जो भी आपको चुनना हो, तो यहाँ पे हमने संस्कृत ले लिया। हिंदी पहला लैंग्वेज हमारा हिंदी हो गया, दूसरा लैंग्वेज हमारा संस्कृत हो गया। ठीक, आप यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश भी कर सकते हैं जो लैंग्वेज आपको उचित लगे। इसके बाद आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास क्लास 1 से 5, तो कक्षा 1 से 5 के लिए अपना जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से ध्यान से पढ़ें, और आपका DLED या BTC हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन देख लें। तो अगर आपका DLED और BTC है तो 1 नंबर या 2 नंबर का चयन करें एज ए परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अगर आपका BEd है तो आपका नंबर 5 रहेगा, यानी कि आपका ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और आपका PG है और मिनिमम 55% मार्क्स है तो आपको 6 नंबर सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं 5 नंबर। और इसके बाद मिनिमम एजुकेशन फर्स्ट क्लास जूनियर के लिए यानी 6 से 8 के लिए, तो क्लास 6 से 8 के लिए भी यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन जो है आप इसको पढ़ लें, और पढ़ने के बाद उपयुक्त क्वालिफिकेशन का चयन करें। तो अगर आपका BTC या DLED है तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर में से चयन करें, और आपका BEd है तो यहाँ पे आप ध्यान दें और इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पे हम 7वां नंबर चयन करेंगे BEd के लिए। तो यहाँ पर हम 7वां नंबर चयन करते हैं BEd के लिए। तो ये क्वालिफिकेशन हमारा BEd है, तो हमने 5वां नंबर और 7वां नंबर चयन किया। आपका BTC है तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और चयन करें। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट ऑफर फॉर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा अगर आपका साइंस है तो मैथ, और सोशल साइंस है तो आपको सोशल साइंस चयन करना है, आर्ट है तो सोशल साइंस चयन करना है। इसके बाद अगर आपका DLED है तो आपको डिप्लोमा चयन करना होगा, या BTC है तो डिप्लोमा चयन करना होगा, अगर आपका BEd है तो आपको डिग्री पे चयन करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करते हुए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमने पास डाला, यहाँ पे ईयर हमारा है तो अपना ईयर डालें। तो यहाँ पे डिग्री फॉर एजुकेशन यानी आपका जो डिग्री है एजुकेशन की, शिक्षा शास्त्र की, यानी आपका BTC या BEd हो तो उसका यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालना है, डिग्री इन एजुकेशनल एजुकेशन इन अकॉर्डिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपने डाला, तो यहाँ पे मैंने डाला अपना 2012। और आपने जो अपना क्वालिफिकेशन है वो किस इंस्टीट्यूट से किया है तो आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट का चयन करना है। अगर इंस्टीट्यूट आपके लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आप अदर्स का चयन करें और इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे टाइप कर दें। टोटल मार्क्स अपना डालें, जितना अंक पाए हैं उसको डालें, इंस्टीट्यूट का पिन कोड डाल दें, इसके बाद यहाँ पे आपको इसको सेव कर लेना है। स्टेप पूरा करने वाला हमारा अगला स्टेप है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना। फोटो की साइज हमारा जो मांगा है 10 से 200 KB, तो यहाँ पे आपको आना है और फोटो अपना अपलोड करना है। तो यहाँ मैंने फोटो लिया, और फोटो यहाँ पर अगर क्रॉप करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करें और यहाँ से अपलोड कर दें। यहाँ पे हमारा फोटो अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर हम और इसी तरह हम अपना सिग्नेचर भी अपना अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे और यहाँ से सिग्नेचर चुनने के बाद ओपन करेंगे और सिग्नेचर को हम इस तरह अपलोड कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अगर आपको देखना है फोटो और सिग्नेचर तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, और कैप्चा को डालें। और सेव पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एग्जाम नेशन सिटी, तो आपको यहाँ पे जहाँ जिस भी स्टेट में आपको एग्जाम देना है उसे चुनें, और सेंटर जिस भी जिले में देना है उसे चुनें। और यहाँ पे आपका सेंटर बनारस में अभी दिखा रहा है, टोटल जो कैपेसिटी है 35,236, जिसमें से टोटल खाली है 23,795, तो इसे आपको कैप्चा फिल करना है। अभी आपकी सीट है बनारस में, तो यहाँ पे 0444,
और फॉर्म को आप बहुत जल्दी भर लें क्योंकि सीट बहुत तेज़ी से फिल हो रही है। लगभग 11,441 सीट फिल हो चुकी है, इसे हम सेव कर देंगे। और एक बार फॉर्म को फिर से मिलाने के बाद, फॉर्म के एक बार नाम कैटेगरी मिलाने के बाद, हाँ अभी भी चाहे तो आप अगर कोई मिस्टेक हो तो आप जाकर यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं और अपना नाम और अपना क्वालिफिकेशंस, आपने कौन सा पेपर अप्लाई किया है, ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आपको कर देना है सबमिट, और यहाँ पे आप फाइल नेम, मस्ट नेम ये सब डालने के बाद चेक बॉक्स पे चेक करना है। अपना फ़ोटो और सिग्नेचर एक बार मिला लीजिए। मिलाने के बाद एड्रेस, नाम, सब कुछ डाटा चेक करने के बाद, और इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्म को चेक करेंगे और फॉर्म मिलाने के बाद हम सबमिट करेंगे। आपको लगे कि फॉर्म में हमारा कोई त्रुटि है तो फॉर्म पर जाकर अभी मॉडिफाई कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन के बाद आप फॉर्म को फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आप फॉर्म को मिला लीजिएगा मिलाने के बाद, और यहाँ पे हम फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फॉर्म को मिलाने के बाद हम फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे, और इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो पेमेंट का होगा। तो पेमेंट फीस कंप्लीट है, और पेमेंट के पहले हम यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। तो चलते हैं ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे, और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालेंगे। और यहाँ पर अगर ईमेल आईडी आपको लगता है गलत है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी पे ओटीपी गया है, और ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा। अब इसके बाद हम फॉर्म को कंप्लीट करने पर पेमेंट कर लेंगे। तो इस तरह हमने QR से पेमेंट कर लिया। हेलो,